एक मनपसंद रचना सुनाने के लिए जा रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बुजुर्ग यानी माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, किंतु बच्चा कभी कभी इतना समझदार निकल जाता है कि वो अच्छे कर्मों को करने लग जाता है। क्या बात! राजा चंद्रसेन अपनी नगरी में राज किया करते थे और वो नित्य प्रति हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करते थे। एक दिन की बात है, एक नन्हा सा गोप बालक अपनी माता के साथ में उसी जगह से आगे की ओर जाता है। उस गोप बालक ने राजा चंद्रसेन को शिवजी की पूजा करते हुए जब देखा तो उसके मन में भी ये विचार आया, क्यों ना मैं भी भगवान भोलेनाथ के भजन करूं, उनकी तपस्या करूं और उनकी पूजा करूं और उनको खुश करके और उनके दर्शन करूं। देखिए क्या होता है। हेलो, ये रिटर्न नहीं जा पा रहा है, क्या हो गया? देखिए क्या होता है। शिव भक्तों की जग में से बढ़कर दुनिया में नहीं कोई शक्ति होती है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये रामायण की उक्ति है। शुभ कर्मों के शुभ फलों से जीवन की मुक्ति और भगवान की कथा है महान। भक्ति से बढ़कर नहीं शक्ति कोई। देखिए वह गोप बालक अपनी माता के साथ में अपने घर की ओर जा रहा था। क्या बात! जब राजा चंद्रसेन को भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हुए जब देखता है तो मन में विचार आ जाता है और भक्ति की तरंगें मन में उठने लग जाती है। क्या होता है? क्या? अरे वो मस्ताना हुआ दीवाना, अरे मन में उमंग चले,
कहना है क्या? क्या? हो अरे वो मस्ताना हुआ दीवाना मन में उमंग चले। क्या बात है? क्या हुआ? क्या हो अरे शिव के भजन को चले। क्या होता है? क्या हो अरे शिव के भजन को चले। अरे भक्ति की ज्योत जले। देखिए एक नन्हा सा बालक जो कि अच्छे से अपने होश को भी नहीं संभाले हुए था, और कितनी आस्था भगवान भोलेनाथ के प्रति। अरे भक्ति की ज्योत जले। क्या होता है? और कहते हैं ना कि काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो भक्त होता है महाकाल का, है ना? कि काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो भक्त होता है महाकाल का। ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं मैं एक नन्हे से लाल का। क्या हुआ? अरे भोले के मुझको दर्शन मिलेंगे। भोले के अरे भक्ति की ज्योत जले। उस बालक ने दो बालक ने क्या किया, अपने घर पहुंचकर बेचारा गरीब था, दाने दाने से मोहताज था, तो बनवा मन में ये विचार आया कि मैंने कहीं से किसी से सुना था कि हर पत्थर में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। तो उस बालक ने अपने घर के बगल से एक पत्थर को उठाया और वह बालक उस पत्थर की पूजा करने लग जाता है, स्थापना कर देता है अपने घर में। और भगवान भोलेनाथ का भजन जब कर रहा था तो उनकी माताजी ने देख लिया, कहा कि मूर्ख बालक, तू ये किसके लिए तपस्या कर रहा है, किसका भजन कर रहा है? ये उम्र तेरी भजन करने की नहीं है, खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, अभी पूजा पाठ करने की तुम्हारी उम्र नहीं है पुत्र। और उस पत्थर को उठाकर उनकी माताजी ने फेंक दिया। बेचारा बालक न पूजा पाठ के लिए पैसा न कुछ भी व्यवस्था नहीं है, अब क्या करे? एकांत में बैठकर आंखों से आंसू की धारा बहने लग जाती है। और क्या होता है? हेलो हो क्या होता है? क्या ऊपर से रहे नैना
हाँ बरस रहे नैना नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना भोले जी की माला जपे आए नहीं जैना बरस रहे नैना भोले जी की माला जपे आए नहीं बरस रहे नैना बरस रहे नैना क्या बात है भोले जी पालन कर रहा है अरे मन की वो गहराई से शिव को मनाने देखिए कहते हैं कि भोलेनाथ जरा सी पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं क्या बात क्या होता है क्या किस तरह से भव बालक शिव जी का भजन कर रहा है अरे भगवान भोलेनाथ से क्या कह रहा है क्या लगी है मन में हो आस लगी है मन में मेरे नैना तरसे हाय कहा कि प्रभु आप मेरी भावना को समझ ही रहे होंगे मेरी कोरी कोरी पुकार को आप सुने मेरी विनती को स्वीकार करें क्या कह रहे हैं कि प्रभु आस लगी है मन में मेरे नैना तरसे हाय अरे ऐसे में आ जा ऐसे में आ जाओ भोले कहा कि प्रभु मुझे ज्यादा आप मत तरसाओ प्रभु मेरी विनती सुनकर आ जाओ क्या कहा क्या ऐसे में आ जाओ भोले ऐसे में आ जाओ भोले दर्शन के दिन
ऐसे में आ जाओ भोले दर्शन के भगवान भोलेनाथ उस गोप बालक पर अपनी दया दृष्टि डालते हैं, उस बालक को दर्शन देते हैं और कहा कि जा पुत्र आज मैं तुझे वरदान देता हूँ कि आज से आठवीं पीढ़ी में तू ब्रज धाम में एक गोप बनकर जन्म लेगा। क्या होता है अलकार लगा दो मेरी मैया तब जाए तनहाए, आस लगी है मन में मेरे नैना तन से हाय, जी 51 रुपए की राशि परम आदरणीय श्री प्रकाश जी ध्रुवे डाबर घना वाले मंडल को प्रदान करते हैं और 21 रुपए की राशि आदरणीय ध्रुवे जी शिक्षक महोदय आपकी ओर से और 51 रुपए की राशि परमादरणीय श्री हरिदास जी भोर से कटंगी वाले आपकी ओर से, 11 रुपए की राशि आदरणीय श्री अमरनाथ जी यादव आपकी ओर से, 21 रुपए की राशि आदरणीय श्री जीवन जी यादव आपकी ओर से और 21 रुपए की राशि आदरणीय श्री लखन जी यादव सेठ जी मंडल को प्रदान करते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन। और ये 51 रुपए की राशि हमारे आदरणीय भाई साहब श्री नारायण जी यादव उप सरपंच महोदय धपाड़ा वाले आपकी जानिब से और 51 रुपए की राशि आदरणीय प्रकाश जी डोंगरे ये समिति अध्यक्ष की ओर से और 51 रुपए की राशि आदरणीय श्री दिनेश जी यादव जनपद चोपना वाले आपकी जानिब से मंडल को मिले हैं। हम आप सभी से आशीर्वाद की कामना करते हैं और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी की मनोकामना को पूरी करें। तो देखिए भगवान भोलेनाथ उस गोप बालक को दर्शन देते हैं और आठवीं पीढ़ी का राज बताकर अदृश्य हो जाते हैं। तो वह बालक मन ही मन में विचारने लगा और भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु जब मैं आपकी भक्ति करना चाहता था और करने लगा था तो मेरी माता जी ने मुझे मना कर दिया, बहुत डांटा फटकारा। तो कहा कि पुत्र ऐसी कोई बात नहीं है, जो अच्छा काम करता है तो अच्छे कार्य के लिए रास्ते में अनेक बाधाएं आती है, बिना मुश्किल के कोई अच्छा काम नहीं होता। तो वह क्या कहने लगा, क्या कहा कि प्रभु मैंने ध्यान तुम्हारा किया है,
मैंने नाम तुम्हारा लिया है, मैंने ध्यान तुम्हारा लिया है, मैंने नाम तुम्हारा लिया है, मैंने ध्यान तुम्हारा लिया है, मैंने नाम तुम्हारा लिया है। हो अपना है जो हो कहा कि प्रभु अब मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, मुझे आपके दर्शन हो गए। क्या कहना है मैं विषयों से अपना डरू, मैं विषयों से अपना डरू, तुम्हारा कौन काम करूं, मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, प्रभु जख्म मरहम में डूब जाते हैं और फूल सबनम में डूब जाते हैं, और जब कोई आसरा नहीं मिलता तो प्रभु हम आपके गम में डूब जाते हैं। कहना है बाबा कला मंच के करीब आ जाए। मैं विषयों से अपना डरूं, तुम्हारा कौन काम करूं, ऋषियों से अपना डरूं, तुम्हारा गुण गान करूं। और देखिए आगे क्या होता है। भगवान भोलेनाथ अपने 11वें रुद्र अवतार के दर्शन कराते हैं, अंत में हनुमान जी ने गोपालक को दर्शन दिए। क्या हुआ, सभी गांव के लोग उस बालक से कहने लगे कि रे बालक तू बता, हे श्री कृष्ण तू हमें ये बता कि ये तेरे घर के यहाँ पर इतना जोरदार उजाला, इतनी लाइट कैसे हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए। तो कहा हमें विश्वास नहीं है, अगर तुमने सच्चाई है तो फिर से भोलेनाथ हम सबको भी दर्शन देंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने हनुमान जी के रूप में दर्शन दिया, तो सारे गांव वालों को भक्ति का नशा चढ़ जाता है। क्या हुआ, रियंजनी का लाला वो सभा में आ गया, भुवंजनी का लाला वो सभा में आ गया, अरे भक्ति का सबको है नशा राजा रामचंद्र भगवान।